हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री करियर काउंसलिंग के बारे में। एज वी ऑल नो कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज़ आप जैसे दे सकते हैं बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, उसके बारे में डिस्कशन किया था। एक बार फिर से बता देती हूँ, वो वेबसाइट कॉलेज बोल जो वेबसाइट है, आप फिर से यहाँ पर रजिस्टर करके देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले ट्राई किया था, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, बट आप फिर से ट्राई करके देखिए। अदरवाइज जो हेल्पलाइन नंबर गिवन है उस पर कॉल कर सकते हैं। अब फिर से यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इस फ्री टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ राइट, आप बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए, मैं आई बटन में उसके लिंक दे रही हूँ आपको, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज़ कैसे आप दे सकते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, इफ़ यू आर इन कॉमर्स और इन साइंस, या फिर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आफ्टर 12th कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे मतलब कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट होते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जैसे आप कौन से कोर्सेज आप करना चाहते हैं उसमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि आप बेस्ट इंस्टीट्यूट से करें। और उसमें आपकी क्वेरीज़ को कम करने के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए ये जो वेबसाइट है वो आपको उसमें फ्री करियर काउंसलिंग करके देगा, राइट। आपको जस्ट करना ये है, यहाँ पे मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ इस वेबसाइट की, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप लिंक पे ओपन करते हैं, हियर कम्स एन पेज, इस तरह से पेज ओपन होगा, ठीक है। उसमें लॉग इन करना होता है। अगर आपने लास्ट टाइम फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए लॉग इन किया है तो आप सेम अपना पासवर्ड एंड ईमेल आईडी डालकर लॉग इन फिर से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको साइन अप करना पड़ेगा न्यू अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। बट जो साइन अप कर रहे हैं उनके लिए प्रोसीजर बता रही हूँ। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है, और कंफर्म करना पड़ेगा पासवर्ड, सेम प्रोसीजर है पूरा, आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, राइट। आपका जेंडर बताना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर देनी है, कंट्री। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज कॉन्टैक्ट नंबर आप जब अपना ऐड करेंगे तब फ्री करियर काउंसलिंग के लिए वो लोग आपको कॉल करेंगे। अगर आप अहमदाबाद में रह रहे हैं तो यहाँ पर 1-to-1 करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। आप उनसे मिलकर उनके ऑफिस में जाके 1-to-1 फ्री में आपको वो ये सारी एडवाइस देंगे, आपको सजेस्ट करेंगे विच आर दी बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है, और ऐसा कोई नहीं करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट अगर 1-to-1 करियर काउंसलिंग जाते हैं, अगर इफ़ आप अहमदाबाद में हैं, यू आर स्टेइंग इन अहमदाबाद, तो आप उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, उनके ऑफिस का एड्रेस लेके उनसे कॉन्टैक्ट करके, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, 10 AM से लेके 6 PM तक वो लोग अवेलेबल रहते हैं फ़ोन कॉल्स पे। रैदर दैन दैट जो स्टूडेंट्स बाकी जगह से है, दूसरे सिटीज़ और स्टेट्स हैं, तो वो लोग अपने कंट्री, स्टेट, सिटी इसमें चूज़ कर लीजिए, पिन कोड डाल दीजिए अपना और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालिए, ताकि वो आपको रजिस्टर करने के बाद कॉल करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज आपकी सॉर्ट आउट करके देंगे। देन इफ़ यू आर स्टूडेंट, येस और नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फर्दर आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, दैट इज़ स्टैंडर्ड 12th में हो, साइंस, कॉमर्स, विच एवर इट इज़, उसके बाद साइन अप कर दीजिए। जैसे ही आप ये इंटरफेस देखेंगे, वेबसाइट ओपन होती है, यू हैव टू क्लिक ऑन फ्री काउंसलिंग। यहाँ पे फ्री काउंसलिंग पे जब आप क्लिक करेंगे, राइट, तो इस तरह से आपको सारे स्ट्रीम्स दिखेंगे। इफ़ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड एरो से जो दिखाया गया है, क्लिक हियर फॉर फ्री काउंसलिंग। तो आपको जो भी आपकी स्ट्रीम है उसी को, रिस्पेक्टिव स्ट्रीम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको फिलअप करना है, ताकि वो देखना चाहते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आपको रख रहे हैं, ठीक है, ताकि वो देख सके कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, जैसे आपका एक्सपेक्टेड बोर्ड रिजल्ट क्या रहेगा, राइट, और आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी इसलिए पूछी जाती है बिकॉज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, OBC, ST, SC, कुछ कैटेगरीज़ के लिए कुछ कोटा फिक्स होता है कहीं कहीं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में, तो वो वहाँ पर काम लगेगा। देन आपके गोल्स क्या है, ठीक है, आपको कौन सी ब्रांच में जाना है, प्रेफर्ड सिटी, आप कौन से सिटी में प्रेफर करना चाहते हैं, एंड ऑल ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं यहाँ पर। उसके बाद सबमिट कर दीजिए उस फॉर्म को, एंड इसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बस लास्ट आप यहाँ तक जब फॉर्म सबमिट कर देते हैं आपका काम हो जाएगा, एंड जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ रजिस्टर करवाया उस पर वो आपको डायरेक्ट सामने से कॉल करेंगे और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। येस, यहाँ पर आप कंट्री ज़रूर चेंज कर दीजिएगा, इस तरफ राइट हैंड साइड कॉर्नर पर कंट्रीज़ का ऑप्शन है। ये शॉर्ट थोड़ा सा बस प्रोसीजर आपको करना है, और आपकी करियर काउंसिलिंग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए करियर काउंसलिंग के लिए, राइट। अगर गलत वे में जा रहे हैं तो बेटर है एक बार एडवाइस लेके हम कुछ थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़े। यस, आफ्टर 12th इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है ये, ठीक है, कि थोड़ा सा हम नॉलेज ले ले सारे इंस्टीट्यूट्स का और सही वे में काम करें, राइट।
मेरे तरफ से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कहिए, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है GMHS Study Classes। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स।